हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा प्यार है नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम ठीक है। नए दिन की नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8। तो धूप भी आ गई है और ये धूप धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तेज़ हो रही। तो बाकी मैं अभी भर रही हूँ पानी और सुबह दूध हमने पी लिया है नाश्ते में। बाकी सारा काम मेरा एक साथ ही होने लगा है और अभी अंजू, मीनू और मम्मी तीनों ही घर पे नहीं हैं, वो कहीं गए हैं, तो इसीलिए मैं घर में भी अकेली हूँ। तो सारा काम मुझे ही करना है, पानी वगैरह भरना। तो अभी तो मेरी बाल्टी भर के इसको निकाल लेते हैं। आप रे, एक घंटे वाला पानी है तो अभी पानी काफ़ी फोर्स में आता है, जल्दी बर्तन भर जाते हैं। तो मैं पानी भर लेती हूँ। बाकी अभी अंजू लोग आ जाएंगे, मेरे को ऊपर घर का काम भी करना है, नीचे भी वहाँ गोबर वगैरह फेंकना था, बट मैंने सोचा था कि फेंक लेती हूँ, पानी लेट आएगा, लेकिन पानी आ गया है तो पानी भर लेते हैं। बाकी वो लोग थोड़ा ही देर के लिए गए हैं, लेकिन घर में सोना सोना लग रहा मेरे को अभी, क्योंकि घर में कोई नहीं है ना। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ और मेरा नेट इतना स्लो चल रहा है कि मेरी अभी तक वीडियो भी नहीं गई है, तो वीडियो को भी जाने देते हैं और अपना काम भी कर लेती हूँ। अब तो पानी के बंद होने का टाइम भी हो गया है, वैसे बंद ही हो गया ऑलमोस्ट। तो ऊपर नीचे इतने चक्कर लगे हैं ना मेरे, बीच में पानी देखने आना पड़ रहा, बाकी बीच में वहाँ गोबर वगैरह फेंकना पड़ रहा। तो बाहर का तो मैंने फेंक लिया है, अंदर वाला मैं इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि बाहर मेरे को अकेले मतलब मैं निकाल नहीं सकती ना। तो जब अंजू आएंगे तो उनके हेल्प से बाहर निकालूंगी, अभी मैं इकट्ठा करके आती हूँ। बाकी पानी का काम तो फाइनल हो गया, पानी बंद हो गया, अब आराम से ऊपर का काम कर सकती हूँ मैं। भैंस को पानी देना, घास देना, कितने बार यही काम होता है ना। तो चलते हैं अभी करके आते हैं अपना काम। गोबर मैंने फेंक लिया है, गोट का भी मैंने फेंक दिया, मैंने थोड़ा भैया की हेल्प से निकाल दिया, ऐसे तो मुझे निकालने नहीं देते, बट हो गया। और अभी चलते हैं बकरियों के लिए थोड़ा सॉन्ग लेके जाती हूँ, भैंस को थोड़ा घास और पानी भी लेके आते हैं, बकरियों के लिए सॉन्ग लेके चलते हैं। भैंस को देते हैं घास। चलते हैं नीचे, भैंस को दे दिया है घास पानी और अभी अंजू मीनू आने वाले हैं। मम्मी वहाँ गए हैं ना कल, जहाँ हमने बर्तन दिए थे मतलब अपने कुदाल वगैरह, तो मम्मी वहीं गए हैं, उनको लेके आएंगे आज, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। मीनू और अंजू आ गए हैं और एक साथ दोनों काम करके आ रहे, पानी का कनिस्टर भी लेके आए हैं धारा से। बैलेंस देखो इनका, थक गए आप? वैसे पानी में भर के ला गए, एक साथ दोनों काम कर लिया आपने। चलो हमको देख के क्या लगता है कि हम थके हैं कि नहीं है? नहीं थके आप? तो दोस्तों अभी हम नाश्ता करते हैं, अभी मम्मी तो नहीं आए तो अभी हम करते हैं नाश्ता, चने आलू की सब्जी है और देवरानी जी को छां बहुत पसंद है, तो छां लेके आ रहे हो? मट्ठा लेके आ रहे हम। वो मतलब उनको आदत है कि हर सब्जी में छां डाल के खाते हैं, इनको काफी पसंद है, छां लेके आओ। तो छा लेके आ गए हैं, बट छा इतनी है अभी, आप ही खाइए देवरानी जी, आपको पसंद है, ये डालेंगे सब्जी में डालेंगे अपने के जेठानी जी। तो हमने नाश्ता भी कर लिया है और अभी हम चलते हैं भैंस को बात के आते हैं, गोट और रंजू ही हैं, अभी मम्मी तो नहीं आए तो उनको गोट बात के आते हैं, क्योंकि धूप बढ़ते रह रही। फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो भैंस बकरी हमने गोट बात लिए हैं, अभी उनके लिए घास और सॉन्ग लेके जाते हैं। अभी इस घास में डालेंगे हम नमक और पिन का पानी। डॉली, आज डॉली लोगों के यहाँ एक नई मेहमान आई है, क्या है रुई? बिल्ली, ये देखो आज लेके आए हैं बिल्ली, ओ कितनी छोटी, अभी तो एक हाथ में ही आ जाएगी। ये देखो या। बाप रे नाखून लगा रही है, ये पहले वाले बहुत नाखून लगाते हैं। ये ताई जी लेके आए हैं मेरी मौसी के यहाँ से, कसून से। बाप रे अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन नाखून ऐसे लगा रही ना, देखो कितनी क्यूट लग रही बिल्ली। मुझे भी ऐसे बहुत पसंद है, तुझे पसंद है रवि? मेरे को बहुत पसंद है, बट मम्मी को नहीं पसंद, इसलिए वो नहीं लेके आते हमारे यहाँ। ताई जी लेके आए हैं, डर लगती है बड़ी मौसी को, डर बिल्ली से।
बचपन जब ये छोटे होते हैं तब इनके नाखून ज्यादा लगते हैं, बड़े होके नहीं लगते, लंबे होते हैं बहुत पतले होते हैं। अभी तो एक ही हाथ में आ जा रहा है, ये देखो जमियूं, इसे भूख लगी है रूही, इसको दूध पिलाओ, इसे दूध पिलाओ, दूध ब्लैक है, ब्लैक ब्राउन है, मतलब ब्राउन ही मिक्स है, मिक्स कलर ग्रे लग रहा है पूरा, ग्रे ग्रे। बाप रे ऐसे खतरनाक नाखून लगा दिए उसने। तो मम्मी भी आ गए हैं, सिद्ध हैं भैंस वगैरह भी हमने गोद बांध। तो मम्मी इसमें लेके आए हैं शिमला मिर्च के पौधे, तो हम इनको लगाएंगे और अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी तुम के लिए नहीं लहा भी रहा अगर लगा रहे बहुत फंसी। मम्मी हमारे लिए बिल्ली लेके नहीं आई, मुझे बहुत पसंद है ए लूंछ यार, ज़्यादा तो दिया। अब जमी मौसी ना, मौसी के हिस्से लेके आए हैं, मौसी एक बिल्ली मेरे लिए रखना, ब्लॉग देख ही रहे हैं वो। चलो देखो ये है शिमला मिर्च, और काफ़ी बड़े पौधे हुए हैं इसके। तो मम्मी आ गए हैं और मम्मी ने नाश्ता भी कर लिया, तो मैं चलती हूँ अभी ग्वाला, और अभी मीनू गई हैं, अभी खोले हमने जस्ट, तो चलते हैं उनके साथ ग्वाला, यहीं पर खोलते हैं हम, आजकल दूर नहीं खोलते। बकरी हमने यहीं पर खोले हैं और मीनू थे दीदी के साथ, एक दीदी भी आए हैं ग्वाला, सही टाइम पास हो रहा। मैं आ गई, जाइए यहीं रह रहे, यहाँ भी रह सकते हो, घर भी जा सकते हो, जाओ। अब चलते हैं ग्वाला से घर, हमारी बकरियाँ आ गई और दीदी भी वहीं चरा रहे हैं, क्योंकि उनकी बकरियाँ चर रही बट हमारे बिल्कुल नहीं चर रहे, तो इसीलिए घर को ले जाते हैं, शाम को खोलते हैं हम, वैसे भी धूप में नहीं चरते। चलते हैं, आज हमारा बन रहा है भटका जौ, लो उसमें अभी हमने थोड़ा चावल डाले हैं, अभी अंजू डालेंगे इसमें भाई, आज ऐसे ही खा लेते हैं भटका, गोल्डन टाइम लीजिए। हाँ भटका जौ, अभी हमने अपने डुगू को नहला लिया है, बिल्कुल ही तबीयत खराब हो गई उसके बाद, तो इतना दुबला हो गया ना, चलने की एनर्जी भी नहीं है इसे, तो यहीं पे रखा है इसे थोड़ा देर, और धूप देखो चमचमाती धूप। लीजिए सारे कपड़े भी सर्फ में डाल देते हैं, इनको आज धारा धो के लाएंगे, मम्मी ने नहा लेना वही कपड़े हैं, बाकी ये साड़ी। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, हमारा भटका जो है रेडी, पहले से स्टार्टिंग हो गई है। ये रहा हमारा भटका जौ, कढ़ाई भर के बनाए हैं, काफ़ी टेस्टी होता है ना, इसके साथ हुआ नमक, हमारा नमक, अभी खाएंगे हम जौ। गर्मा गर्म पापड़ी, अभी काफ़ी गर्म है, सीधे चूल्हे से निकाल के लाए हैं, खाते हैं अभी। खाना खा लिया है और हम देखते हैं बर्तन, बाप रे यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है, बर्तन भी धो लिए हैं और अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ धूप है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर सीधे 5 बजे उठना होता है, क्योंकि आजकल तेज़ धूप रहती है और कुछ काम नहीं होता। अभी हम डुगू को खिलाने वाले हैं दही, ये कुछ नहीं खा रहा, बस हम इसको दही भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं, देखो कैसा दुबला हो गया है, बस लेटे रह नहाए हुए धूप में भी नहीं आता, बस इसकी हड्डियाँ ही दिख रही है, अब पता नहीं क्या हो गया इसे, अब इसको दही खिला लेते हैं, ये दही में ही टिका है उतने दिनों से, बाकी कुछ नहीं खा रहे। चलो सो जाओ, आप भी सो जाओ, सो जाओ, चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद, ब्रेक के बाद। तो दोस्तों बारिश आ गई आज, और इतनी खतरनाक वाली बारिश आ गई ना, हमने कपड़े डाले थे सर्फ में वहाँ जाने के लिए, लेकिन धारा जाने का टाइम ही नहीं हुआ, बारिश तूफान आ गया, तो इसीलिए हमने सारे कपड़े घर ही धो लिए हैं, अभी सुखाने के लिए नहीं डाले, क्योंकि काफ़ी हवा चल रही और बारिश तो बाप रे खतरनाक आ गई है, अगर आएगी तो। ये देखो बारिश, बारिश से ज़्यादा तो हवा चल रही है, बिल्कुल तूफान जैसा आ गया है, तो ये बारिश ज़्यादा आने वाली नहीं है, देखो बाप रे वैसे काफ़ी ख़तरनाक बारिश आ गई।
तेज तेज आते रह रही, बाप रे। और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे हैं, और बाप रे ऐसी बारिश तो आज ही मतलब अचानक से आ गई है बारिश। और ऊपर साइड मौसम देखो, मुझे लगता है आज तक जितनी बारिश रुकी थी ना अब आज ही आने वाली है। वैसे तो ऐसी बारिश की हमें सख्त ज़रूरत है। बाप रे मौसम देख सकते हैं आप, बाकी यहाँ पे भैया लोग बैठे हैं सभी अलग अलग जगह। बाप रे अभी इतना ठंडा हो रहा ना, खतरनाक वाला। मम्मी यहाँ पे बैठे हैं आए ऐसे जो कह रही हूँ अम्मी, ऐसे बारिश आई जा रही है। वैसे तो आई नहीं है बट एक घंटा चले नॉन स्टॉप से बात होती है, एक घंटा हमको ऐसी बारिश की तो बात करती है। वहाँ सामान की सेटिंग हो रही है, बारिश में भीग रही है हमारी डलिया तो संभाल रहे हैं उन्हें। तो अभी हम पीते हैं चाय गर्मा गर्म, ऐसे मौसम में चाय तो बनती है, वरना इतना ठंडा होने लगा है। बेबी स्वेटर निकालने का मन कर रहा, बट स्वेटर हमने सारे संभाल लिए हैं ना, गर्मी आ गई थी, अभी एक भी नहीं मिल रही अभी। मम्मी चाय, और हमको यहाँ कंपनी देने आए हैं भैया चाय पीने। हम सभी लोग चाय पी रहे हैं, हम चाची भी आ गई हैं। बारिश हो तो हम सभी लोग ऐसे बैठ जाते हैं, बातें करते हैं ना, ऐसी मौसम में यही चीज़ें होती है। अभी चाय इंजॉय करते हैं, देवरानी जी भी चाय पी रहे हैं अभी। तो बारिश तो वैसे कम हो गई है बट हल्की हल्की बारिश फिर से आ रही है, और ऐसा ठंडा हो गया है बाप रे एक ही बारिश में। और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है और ना फ़ोन में चार्ज है, तो लाइट की तो सख्त ज़रूरत है अभी, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल ही चार्ज ही नहीं है। अभी तो बादल लगे हैं पूरे आसमान, थोड़ा थोड़ा आसमान वहाँ पे खुल रहा है बट बाकी पूरे आसमान में बादल ही बादल है। वैसे आज खेतों के लिए थोड़ा बहुत तो हो ही गया है पानी। हमारी सबकी स्वेटर निकल गई है क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा, और वैसे तो अभी मौसम थोड़ा खुलने लगा है बट हल्की हल्की बारिश आ रही है बूंदाबांदी। तो आज है 5 जून, तो आपको पता ही है आज पर्यावरण दिवस है। तो वैसे आज का दिन बड़ा ख़ास है, 5 तारीख वैसे भी स्पेशल है और पर्यावरण दिवस तो अलग है। 5 जून मतलब मेरे लिए तो काफ़ी स्पेशल है, 5 जून मतलब आप भैया की शादी को 1 मंथ कंप्लीट भी हो गया है। और बाकी 5 जून मेरे लिए स्पेशल ऐसे है कि मतलब 5 जून को मेरे को देखने आए थे लड़के वाले, मतलब मेरे हस्बैंड जी मेरे को देखने आए थे आज के दिन, और मम्मी भी आए थे। तो आज ही के दिन से मेरा मतलब से रिश्ता पक्का हुआ था, तो मेरे को अभी भी याद है उस दिन तो संडे था, आज 2 साल हो गए हैं। तो वाह बड़ा स्पेशल दिन था, उस दिन से हमारी बातें स्टार्ट हुई, एक दूसरे को देखा पसंद किया था ना। 5 तारीख को हमने अल्मोड़ा में ही मिले थे हम, उस दिन था संडे, और अल्मोड़ा मार्केट में डिस्ट्रिक्ट में देखा था हमने एक दूसरे को। तो आज फाइनली 2 साल हो गए हैं, काफ़ी स्पेशल दिन है आज का। तो दोस्तों बारिश आके तो बंद भी हो गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर जंगल साइड, मतलब अब ऐसे में न हम घास को जा सकते हैं और न ही कुछ और काम हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई। चढ़ाई चढ़ने में तो सांस ऐसी फूल रही है। तो मैं और रंजू जा रहे हैं जंगल में, ऐसे में लग रहा है टूट जाती है ना सूखी हरी, तो वही ढूंढने। वैसे भी ऐसे मौसम में हम टाइम पास ऐसे ही कर सकते हैं, तो चलते हैं। वैसे तो चाची और भैया लोग भी आ रहे हैं, जब बारिश हो तो उसके बाद जंगल जाने वाला ही काम रहता है। बाकी चलते हैं देखते हैं लकड़ियाँ मिलती है या नहीं। ऐसे तूफान वगैरह चलता है तो पेड़ तो गिर जाते हैं कहीं सूखे वाले। अभी नीचे से आधी भी आ रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा। चढ़ाई चढ़ने में तो ऐसी सांस फूल जा रही, बाप रे। हम लेके आए हैं रस्सी और दराती, चलते हैं। अंजू लगी है आगे आगे रास्ता, और बारिश के बाद का मौसम वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम क्लियर दिखने लगता है, वरना धुंध की वजह से सारा सफ़ेद दिखता है, बट अभी मौसम काफ़ी अच्छा दिख रहा। आधी भी आ गया, दौड़ दौड़ के आ रहा। आधी तुल जैसे लकड़ा हूँ, चलो फिर चलते हैं। जाओ जाओ दौड़ लगाओ हमारे लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना। शूते वैसे झड़ते हैं, निकलते हैं पेड़ों से, मुझे नहीं लग रहा कि शूते मिलेंगे क्योंकि सारा गीला हो गया है,
मुश्किल है आधी। तो हमें मिल गई है एक बड़ी वाली लकड़ी। इस पेड़ का आधा पूरा टूट गया है और यहाँ से क्लियरिटी कितनी दिख रही है, वाह कोहरा। बाकी यहाँ से दिखता है कसून गांव, ये सामने बे है। वैसे तो हमारे गांव के आज काफ़ी सारे लोग आए हैं लकड़ियों को जंगल में, तो वैसे तो जंगल भी काफ़ी बड़ा है, अगर लकड़ियाँ मिल जाए तो सही है, तो इधर से उधर ढूंढना पड़ता है। बाकी चलते हैं, मिल गए तो ठीक। वाह बारिश के बाद मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम साफ, तो हम लग जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा लकड़ियाँ यहाँ पे है, बाकी अगले धार में एक पेड़ मिला है हमको सूखा वाला। और ये देखो दो कच्चे पेड़ टूटे हैं खुद ही, तो ये तो नेचुरल टूटे हैं ना, तो इनके लकड़ियाँ हम बाद में लेके जाएंगे। काफ़ी लकड़े हुए वैसे बारिश में, यहाँ जंगल मारे में काफ़ी फ़ायदा होता है। और वहाँ भी एक पेड़ गिरा है जो आदि ने छाट लिया है, मतलब ऐसे पत्थर रख के ना, ऐसा होता है कि गाँव में पत्थर रख लेते हैं उसको, उसके बाद कोई और नहीं लेता। तो अभी हम इन लकड़ियों को लेके चलते हैं, बाकी मम्मी को कॉल कर लिया, अभी वो भी आएंगी। तो कुछ लकड़ियाँ यहाँ हैं, ये देखो ये गुढ़ी तो हो ही गई है, मतलब सूखी है, थोड़ा गीली हुई है, बट इनको हम लेके चलते हैं। अभी हमको यहाँ फिर से आना पड़ेगा, अभी हम जल्दी में रस्सी एक ही लाए हैं तो इसी से लेके चलते हैं। और रास्ता काफ़ी गड़बड़ हो रहा है, फिसलने वाला, तो सेफ्टी से जाएंगे। तो मैं और अंजू चलते हैं, एक एक गुढ़े हम नीचे रख के आएंगे धार में, और बाकी लकड़ियाँ तो हमारे और ऊपर हैं इससे सूखी वाली। और हम इसको नीचे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि परसों जो दीदी ने लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी उनको दूसरे गाँव वाले ले गए थे ना, तो ऐसी मेहनत वेस्ट जाती है, तो इसीलिए इन लकड़ियों को हम नीचे रख के आते हैं। बाकी इसके बाद जाएंगे वहाँ जहाँ हमको दो पेड़ मिले हैं ना कच्चे वाले, उनकी लकड़ियाँ लाएंगे, क्योंकि कल सुबह की सुबह ना सारी लकड़ियाँ मतलब गायब हो जाएंगी क्योंकि काफ़ी सारे गांव वाले आते हैं ना, तो इसीलिए हम चलते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, उजाला है आजकल, ऐसे भी अंधेरा लेट होता है। बाकी हमारे गाँव के सभी लोग आए हैं, किसी को तो छः छः सात सात पेड़ भी मिल गए हैं, ऐसे में तो लकड़ियाँ गिरी जाती हैं। बाकी चलते हैं, अभी एक गुढ़े अंजू लेके जा रहे हैं आगे से, ये हमारी सूखी लकड़ियाँ हैं तो इनको यहीं पे रख लेते हैं। अभी इतनी का रखना, या देखो देखो हमारे साथ आया था और इसने हमारा साथ छोड़ दिया है, अलग अलग ही लकड़ियाँ लेने जा रहा है, कम लकड़ियाँ जो क्या मिल गई इसे। जा जा, उसके मम्मी वहाँ पे हैं लकड़ियाँ ला रहे, बाकी कुछ लकड़ियाँ हमारे यहाँ पे है। अंजू यहाँ से आएंगे, मैं चलती हूँ यहाँ से, इधर को मम्मी गए हैं, एक गुढ़े यहाँ पे है हमारे, ये जा रहे चलते हैं। वैसे तो दोस्तों आज पर्यावरण दिवस है, आज पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन इतने सारे पेड़ गिर गए हैं, बट ये नेचुरली गिरे हैं ना बारिश की वजह से, बारिश कम थी बट हवा ज़्यादा थी उसी की वजह से पेड़ गिर जाते हैं। तो कोई नहीं, हम लेके आते हैं लकड़ियाँ, मम्मी गए साथ जाती हूँ पीछे पीछे। तो अब चलते हैं हम घर को, ये रही मम्मी की लकड़ियाँ सूखी वाली, बाकी दो गुढ़े हमारे हैं बदलो, ये है अंजो मेरा, इनको लेके चलते हैं हम घर को। अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा है, बादो अब चलते हैं दोस्तों, अभी लास्ट बारी हमारी, दो गुढ़े हैं सूखी, वैसे हमको सूखी वाली चार गुढ़े मिली, दो हमने पहले फेंक किया, बाकी दो ये हैं, इनको लेके चलते हैं। और सांस फूल गई है इधर से उधर चक्कर लगाने में। ये रहा हमारे दो लकड़ियों का गुढ़े, ये है हमारी सूखी वाली लकड़ियाँ। तो हम लकड़ियों से घर आ गए हैं और आज लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई, तो मीनू मेरा फ्लैश लाइट जलाया है उन्होंने, तब मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।